हम टीपीएस सेंसर को चेक करने लगे हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की स्केल पर रखा है। कामन वाली तार इसकी ग्राउंड पे लगा दी है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। अभी ये टीपीएस सेंसर है, ये थ्रॉटल बॉडी इसके यहाँ पे ये लगा हुआ है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो 0.19 वोल्ट आ रहे हैं, ये ग्राउंड की तार है। थर्ड जो पॉइंट है इस पे अभी मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। और ये जो तीसरा दरमियान वाला पॉइंट है इस पे अगर हमारी गाड़ी स्विच ऑन है, स्टार्ट नहीं है, और अभी हम रेस चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज चेंज होंगे। मैंने इसके दरमियान वाले पॉइंट पे रेड प्रॉब लगा दी है, रेस मैंने नहीं दी हुई, तो वोल्टेज आ रहे हैं 0.65। अभी देखें इसकी मैं रेस, बढ़ाता हूँ गाड़ी की 1 वोल्ट, फुल रेस पे फोर पॉइंट फाइव वोल्ट तक जाते हैं। जब रेस बिल्कुल ना दी हुई हो तो 0.65, और जब रेस फुल हो तो 4.5 तक मैक्सिमम जा रहे हैं। यानी 0.6 से 4.5 तक वेरी करते हैं ये रेस पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।